आज लेक्चर 6 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यूथ कैप्सूल का जो हम लोग देख रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल, तो सबसे पहले है डोरी टेस्टिंग मशीन टेस्ट। आज हम लोग जानेंगे डोरी टेस्टिंग मशीन टेस्ट में कि जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो किस टाइप के रॉक में कितना से कितना होता है। तो सबसे पहले देखिए 0 से 14, 0 से 14 जब होगा इसका रेंज तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट रॉक। यदि 14 से 17 होगा तो उसे बोलेंगे मीडियम हार्ड रॉक। फिर यदि ग्रेटर देन 17 होगा तो उसको बोलेंगे हार्ड रॉक। ये डोरी टेस्टिंग मशीन टेस्ट का है फ्रिक्शन फैक्टर। आगे है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट में यदि एक तरफ है थर्मल टफनेस कोफिशियंट और एक टफनेस, यदि 19 से ज़्यादा है तो वेरी टफ होगा। यदि 16 और 17 के बीच होगा, 16 से 17 होगा तो मॉडरेट टफ होगा। यदि 16 या उससे बिलो होगा तो पुअर टफ होगा। ये सब एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है रेंज, इसलिए इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे है एट्रिशन टेस्ट। एट्रिशन टेस्ट में फ्रिक्शन ऑफ कोफिशियंट है और क्वालिटी ऑफ स्टोन्स है। यदि 2% फ्रिक्शन ऑफ कोफिशियंट है तो उसको गुड बोलेंगे, यदि 3% है तो मीडियम बोलेंगे, यदि 5% या उससे ज़्यादा है तो उजलेस हो जाएगा एट्रिशन टेस्ट में। फिर एक कॉमन ब्रिक साइज, ब्रिक का जो साइज होता है उसके बारे में, इसको बहुत ही बारीकी तरह से यहाँ बताएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कब किस टाइप का पूछता है। और नॉमिनल साइज और यूजुअल साइज अक्सर ही पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए ब्रिक क्लासिफिकेशन, यूजुअल साइज और नॉमिनल साइज। तो पहला है कन्वेंशनल, उसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल, अतः उसी को बोलते हैं उजर साइज। उजर साइज यानी कि जो हम लोग का जनरली यूज होता है, तो कन्वेंशनल बोले या ट्रेडिशनल बोले या यूजर साइज बोले, तो इसका जो उजुअल साइज है वो 23 × 11.2 × 7.0 सब सेंटीमीटर में। यही यदि mm में कर देता 230, 112 और 70 mm हो जाता। और इसका जो नॉमिनल साइज है वो 23, 11.4 और 7.6 सेंटीमीटर में। दूसरा है स्टैंडर्ड ब्रिक, उसी को मॉडुलर, उसी को नॉर्मल साइज बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड या मॉडुलर या नॉर्मल साइज, इसका जो यूजुअल साइज है वो 19.99 सेंटीमीटर में, mm में बोला जाए तो 190 90 90 होता है। और जो नॉमिनल साइज है 20 10 10 सेंटीमीटर होता है। नॉमिनल साइज का मतलब होता है कि जब ब्रिक के ऊपर प्लास्टर कर दिया जाता है तो इसमें 10 mm बढ़ जाता है, इसीलिए ये 20 10 10 सेंटीमीटर है। आगे देखिए दोस्तों इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक्स अर्थ, जो ब्रिक है ब्रिक बनाने के लिए जो उसमें इंग्रेडिएंट होता है तो उसमें क्या क्या होता है और कितनी मात्रा में होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक तरफ है इंग्रेडिएंट, एक तरफ है परसेंटेज इन ब्रिक, ब्रिक में कितना परसेंटेज होता है। सबसे पहले होता है सिलिका, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। कभी सिलिका ना लिख के डायरेक्ट SiO2 दे सकता है। इसकी मात्रा जो है 50 से 60% होता है। फिर एलुमिना, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3, इसकी मात्रा 20 से 30% होता है। फिर है लाइम, जिसका फॉर्मूला CaO होता है, इसकी मात्रा 2 से 5%। आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसकी मात्रा 3 से 5%। फिर है मैग्नीशिया MgO, इसका मात्रा लेस देन 1 होता है। फिर है अल्केलीज, इसका भी मात्रा 1 से कम होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसकी कितना मात्रा होता है, या अरेंज कीजिए कि सबसे ज़्यादा क्या होता है उसके बाद क्या होता है। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों हम एक ट्रिक बनाए हैं, वो है सलीम। सलीम S4 हो जाएगा आपका सिलिका, फिर A4 हो जाएगा एलुमिना, L4 हो जाएगा लाइम, I4 हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और M4 हो जाएगा मैग्नीशिया, और लास्ट में याद कर लेना है ये A4 अल्केलीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।